गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 31 मार्च 2023, लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन द करेंसी पेयर्स दैट वी जनरली डिस्कस हाउ दे आर बिहेविंग। डॉलर इंडेक्स अभी है 102.17, सॉफ्ट हो रहा है। हमारा जो 23 मार्च का लो दैट इज 101.90, इसके लो के नीचे एक फर्दर वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स फर्स्ट 101.50 एंड देन योर 100.75 की तरफ। डॉलर रुपी अभी 82.06, लोअर लेवल पे इनविजिबल हैंड्स आर अवेलेबल प्रेजेंट, दैट बीइंग द केस यहाँ पे आपका आज के दिन हमें थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे डॉलर रुपी का क्लोजिंग कहां पे रख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मींस आपका ऑन द लोअर साइड मे बी 81.70-75, ऑन द हायर साइड पॉसिबिलिटी ऑफ 82.25, ऑल्दो द रेंज इज 50 पैसा रेंज, बट बीइंग द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आज का रेट इज वेरी क्रूशियल। सो इसीलिए वी नीड टू सी हाउ एंड व्हाट द बिग ब्रदर वांट्स द डॉलर रुपी टू क्लोज इट। जीबीपी डॉलर अभी है 1.2392, एज एक्सपेक्टेड इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.2450। यहाँ पे जो देखने वाला बात है ये है आपका RSI, it took support at 60. That being the case, हमें यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा टाइम पास करने के बाद आगे कंसोलिडेट करता है यहाँ पे एंड उसके बाद ब्रेकआउट करता है। इन सच ए केस द ब्रेकआउट विल बी कन्विंसिंग वन, एल्स अगर जाता है फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, देर मे बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल। सो ये जो 1.2450 से 1.2475 का एक रेजिस्टेंस जोन है, इस जोन को कैसे अप्रोच करता है प्राइस एक्शंस ये हमें देखना पड़ेगा। जीबीपी आईएनआर यहाँ पर भी आपका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसको तोड़ने वाला है 101.70 ऑन द हायर साइड। दैट बीइंग द केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि जीबीपी आईएनआर इज हेडिंग टुवर्ड्स 102.60 से 102.80। आरएसआई ऑन डेली टर्म्स ऑल्सो ये 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। यूरो डॉलर यहाँ पर भी स्ट्रेंथ बरकरार है, आरएसआई 60 को ब्रेक करके ऊपर चला गया है। दैट बीइंग द केस हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 1.1050 की तरफ। यूरो आईएनआर सिमिलरली ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, बट ये जो आरएसआई है RSI अभी भी 60 की, ऑल्दो एट 61.66 अभी भी कन्विंसिंगली ऊपर की तरफ ब्रेक आउट कर नहीं पाया। दैट बीइंग द केस यहाँ पे जो आपका 22nd एंड 23rd मार्च का जो हाई है वहाँ क्या इस लेवल पे, व्हाट इज द हाई, दैट इज आपका 89.8890। क्या ये इस लेवल को रेस्पेक्ट करता है या यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है ये हमें देखना पड़ेगा। डॉलर येन आपका अभी है 133.41। यहाँ पे आप देखोगे कि परसों के दिन हमने एक ट्रेड कॉल दिया था जब आपका डॉलर येन आपका 131.90 पे था, वहाँ पे हमने तीन प्रोबेबल टारगेट्स दिया, एक है 133.50, दूसरा है 135 एंड तीसरा है 137.30। तो आपका स्टॉप लॉस भी, ऑल्दो मैंने यहाँ पे कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस 129.50 का दिया था, बट ये जो मदर कैंडल है दैट इज 29 मार्च का लो, वी कैन कंसीडर दिस आल्सो एज ए स्टॉप लॉस, दैट इज 130.50 मे बी कंसीडर्ड एज द स्टॉप लॉस नाउ। सो इस इन सच ए केस वी कैन रिवाइज द स्टॉप लॉस टू 130.50। ये लेवल पे हम
स्टॉप लॉस को रिवाइज कर सकते हैं। टीएन आईएनआर यहाँ पे अच्छा खासा सेल ऑफ दिख रहा है। अभी देर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि येन आईएनआर में मूव फर्स्ट टू 60.50 देन टू 59.50। सो ये डेली चार्ट है, ये स्ट्रेट लाइन पे नीचे नहीं जाएगा। ये लोअर फ्रेम में आप देखोगे एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बना के अगर जाता है देन हमारा जो टारगेट्स है टू टारगेट्स है वो बहुत जल्दी ही आ सकता है। डॉलर कैंडी 135.3520 जैसे कि हमारा लास्ट एनालिसिस था वहाँ पे यहाँ आपका 23rd एंड 24th का दो कैंडल का रेंज था, 24th का हाई एंड 23rd का लो। ये बिकम्स द क्रूशियल रेंज। इसके ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड ब्रेकआउट किधर जाएगा उसके लिए एक इंडिकेशन था हमारा RSI। RSI वाज इंडिकेटिंग कि शायद ये नीचे की तरफ आ जाए और आफ्टर दो तीन दिन ये नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन किया। अभी जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो है आपका 1.35 1.3525। क्या ये इसको इजीली ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है या यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है ये हमें देखना पड़ेगा। ऑसी डॉलर ये आपका जो रेजिस्टेंस जोन है कौन सा रेजिस्टेंस जोन 0.67 एंड 0.6730 इसके अंदर में ही अभी तक बैठा हुआ है। इसके ऊपर भी हमारा 22nd एंड 23rd का ट्वीजर टॉप का हाई That is 676070 is expected to act as the second immediate resistance. That being the case, immediate two resistances. क्या ये इस two resistances को तोड़ के sharply ऊपर की तरफ जाता है या यहाँ पे consolidate करता है इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। CNH जैसे कि आप देखोगे ये 23rd मार्च का ब्रेकडाउन, क्या ब्रेकडाउन था 13th मार्च का मदर कैंडल के लो के नीचे ब्रेकडाउन किया था ऑन 23rd ऑफ मार्च। व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद ये बाउंस बैक किया था। जैसे ही ये बाउंस बैक किया था फिर बाउंस बैक करके 13th मार्च का जो रेंज है उसके अंदर में आ चुका था। अभी हमें देखना था आप अगर दो दिन पहले का डेली करेंसी एनालिसिस देखोगे वहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन था क्या ये सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। एज ऑफ नाउ ये सेंटर बैंड पे रेजिस्टेंस ले रहा है। सो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट इज हमारा ये जो रिसेंट 23rd मार्च का लो दैट इज 6.80। सो अभी हमें ये लग रहा है कि आने वाले दो तीन ट्रेडिंग सेशंस में शायद ये 23rd मार्च का लो को टारगेट कर सकता है एंड उसके बाद नीचे फर्दर ब्रेकडाउन के बाद जो हमारा टारगेट है 6.75 एंड 6.74 दो टारगेट से वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूके ऑयल अभी एक क्रूशियल एरिया पे है। आपको अगर चार्ट को देखोगे तो ट्वाइस अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड से शार्पली लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में आया, उसके बाद सेंटर बैंड में यहाँ पे पिछले तीन दिन में प्राइस एक्शन कंसोलिडेट किया। अभी हमें देखना है कि ये जो सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड है इसको क्या ब्रेक डाउन करता है नीचे के तरफ आफ्टर टेकिंग ए रेजिस्टेंस या ऊपर के तरफ ब्रेकआउट करता है। ऊपर के तरफ ब्रेकआउट करता है तो 79.50 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस इमीडिएटली। क्या ये इस जोन पे रेजिस्टेंस लेता है, ये रेजिस्टेंस लेगा एंड उसके बाद प्राइस अगर लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन करके इस स्विंग लो को ब्रेक करता है देयर बाय मेकिंग एन एम पैटर्न देन हमें एक सेल ऑफ का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। व्हाट आई वांट टू मीन, आप देखोगे 27th मार्च एंड 20th मार्च को एक दो बैक टू बैक बुल कैंडल्स बनाया फॉलोड बाय ए नेगेटिव कैंडल ऑन 29th मार्च एंड 30th मार्च को एक बाउंस बैक किया ऑन 30th मार्च। सो इस अभी इसको अगर नीचे जाना है प्राइस को तो ये
30th मार्च का लो के नीचे क्लोज देना पड़ेगा. देन इट विल क्रिएट द एम पैटर्न विथ सेंटर बैंड एज द रेजिस्टेंस. सो हमें आज देखना है कि क्या ये ऊपर की तरफ 79.50 के ऊपर ब्रेकआउट करता है या आपका 30th मार्च का लो के नीचे क्लोज दे देता है. हमें इंतजार रहेगा. यूएस 10-year ट्रेजरी 3.56 पिछले दो दिन में थोड़ा सा साइडवाइज कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस एक्शंस. अभी देखने वाला बात क्या है, प्राइस ऊपर यानी 2nd मार्च को अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड था, उसके बाद ये लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में आया, उसके बाद अब देखो समथिंग लाइक दिस. अभी कहाँ पे गया, अभी गया आपका सेंटर बैंड पे, यानी देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज दिस सेंटर बैंड में एक्ट एज ए रेजिस्टेंस. इन सच ए केस हमारा दोबारा ये जो 24th मार्च का जो लो है उसके लो के लो विल बी द नेक्स्ट टारगेट. एंड उसके लो के नीचे हमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अभी आते हैं यूएस 2-year ट्रेजरी. यहाँ पर भी आप देखो ये 8th-9th मार्च को अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड से डायरेक्टली नीचे आया लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड. अभी कहाँ पे, अभी गया आपका सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है. दैट बीइंग द केस ये जो टू एरिया है, ये जो जोन है आपका, This is going to act as a crucial resistance zone. यहाँ पे resistance ले के क्या price action नीचे के तरफ move करता है. इन सच के जो swing low है अभी का recent swing low, that will be our first target. इसको इस swing low को आने दीजिए. क्या है swing low? आपका 3.555. इसको आने दीजिए. उसके बाद हम फिर further price action को discuss करेंगे. और यहाँ पे अभी देखने वाला क्या चीज़ है, क्या डिफरेंस बिटवीन 2-year एंड 10-year, ये आपका 55 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस, 56 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस है बिटवीन द टू ट्रेजरीज. एक्चुअली हमें ये इक्वल होन, दैट मीन्स बेसिकली मार्केट विल बी नॉर्मल व्हेन 2-year इज बिलो द 10-year यूएस ट्रेजरी. लेकिन क्या ये उधर की तरफ जाता है, इसके लिए हमें डिफरेंस को मॉनिटर करना है. ये आपका 8th मार्च या 9th मार्च को आप अगर केयरफुली देखोगे, जहाँ पे 2-year एंड 10-year के बीच का जो डिफरेंस था वो मोर देन 100 बेसिस पॉइंट्स हो गया था, जो बीच में 40 बेसिस पॉइंट्स तक आया. अभी ये 56 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस में है. सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना है. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपका अच्छा लगा होगा. इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड सर्कल. ऑल्सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ